बोलिए लाडली लाल की। नहीं, सब कामनाएं श्री कृष्ण संबंधी रखो, अपने सुख के लिए रखोगे तो कुब्जा की लाइन में खड़े हो जाओगे। और श्री कृष्ण के सुख के लिए अगर वही सब कामना होगी तो फिर तुम उन गोपियों के क्लास में होगे जहां समर्थारती वालों का प्रवेश होता है, अंतिम कक्षा महाभाव तक जा सकोगे। तो श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी कामना वंदनीय है, बस एक चीज वंदनीय है, और अपने सुख के लिए श्री कृष्ण की कामना न निंदनीय है न वंदनीय है, और उसके नीचे मोक्ष पर्यंत की कामनाएं निंदनीय है। बस सीधी सी बात, ये तीन वाक्य याद कर लो छुट्टी। मोक्ष पर्यंत की समस्त कामनाएं निंदनीय है, अपने सुख के लिए श्री कृष्ण संबंधी विषयों की कामना न निंदनीय है न वंदनीय है, और श्री कृष्ण के सुख के लिए श्री कृष्ण संबंधी विषय की कामना परम वंदनीय है। ये कंक्लूजन हो गया ठीक। तो भक्ति का स्वरूप है जिसमें अपने सुख के लिए कोई कामना न की जाए, कामना की जाए अपने सुख के लिए न की जाए। बहुत ध्यान देना इस जगह पर, कामना रहित तो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्म का चिंतन करे, चाहे संसार का चिंतन करे, चाहे भगवान का चिंतन करे, चिंतन के पहले कामना आएगी। चिंतन क्यों कर रहे हो, कोई एम है? जब आप सिद्धावस्था पर पहुंच जाएंगे तब कह सकते हैं हाँ, गौरांग महाप्रभु से एक ने पूछा कि आप हरि बोल क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा स्वभाव है, आदत है, आदत। और स्वभाव जो होता है वो अपरिवर्तनीय होता है, जैसे सांस लेते हैं हम लोग। कोई पूछे सांस क्यों लेते हो बार बार, बाहर भीतर बाहर, या तो भीतर रखो या तो बाहर रखो, तो हम लोग कहेंगे भाई ये स्वभाव है, ऐसा किए बिना रहा नहीं जाता। अगर थोड़ी देर को सांस रोक ले तो दम घुटने लगता है। ऐसे ही जब आप अंतिम कक्षा में पहुंच जाएंगे तो श्याम सुंदर से प्रेम क्यों करते हैं अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि रहा ही नहीं जाता, ये बेकार है। बेकार होगा लेकिन क्या करें, रहा ही नहीं जाता। अरे तुमको नरक मिलेगा, अरे बाबा नरक नहीं महानरक मिले लेकिन क्या करें, मजबूर है। जैसे सांस न लेने से दम घुटता है, ऐसे ही श्याम सुंदर से प्रेम न करने पर दम घुटने लगता है, मजबूरी है। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक व्यक्ति भगवान नाम का उसने महात्म्य सुना महाप्रभु जी से कि भगवान का निवास रहता है उसमें, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। तो उसने हरे राम नाम को इतना अपना लिया कि बस 24 घंटे जब तक वो होश में रहे ये बोलता रहे धीरे धीरे, इतना अभ्यास हो गया उसको कि उससे रहा ही नहीं जाए बिना बोले। तो वो लघुशंका के लिए जाए, लेटिन के लिए जाए, तब भी वो बोलता रहे, तो किसी ने सुन लिया और उसने महाप्रभु जी से कहा कि महाराज ये लघुशंका लेटिन आदि गंदी जगहों में भी हरे राम बोलता रहता है। तो उन्होंने साधारण प्रेम कह दिया क्यों रे ऐसा नहीं करते, भगवान के नाम को ठीक जगह पे लिया करो। तो
कहा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो मानना पड़ेगा। फिर गया लघुशंका के लिए, तो फिर हरी निकल गया मुंह से, तो उसने अपनी जबान को निकाल के बाहर थोड़ा सा पकड़ लिया।